राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से पिछली सरकारों की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 75 साल में देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पाया। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि हम देश को आगे ले जाने के रास्ते पर नहीं चले। 75 वर्ष का उल्लेख हुआ, इन 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन देश को ले जाने का जो रास्ता है, चले नहीं, इसलिए नहीं बढ़े। भारत को आगे बढ़ने की राह दिखाने वाला बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया। संत ईश्वर सम्मान समारोह में उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को श्री राम मॉडल अपनाने की सलाह दी। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं, बड़े जोर से कहना भी चाहिए, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं कर सकते। ये सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया रहती है, इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में, लोगों में वो अलौकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते रहते। आरएसएस चीफ ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में जितने महापुरुष होंगे उतने महापुरुष हमारे देश में सिर्फ 200 वर्षों में हुए हैं। दुनिया के किसी देश में सारे देश मिलाकर जितने महापुरुष अब तक हुए होंगे उतने हमारे देश में गत 200 वर्षों में हो गए। और एक एक का जीवन सर्वांगीण जीवन की राह उजागर करता है हमारे आंखों के सामने, लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके कांटे कंकड़ भी दिखते हैं, क्योंकि वो मार्ग का कंटक आकरण होता ही है। अक्सर धर्म और हिंदुत्व पर अपने विचार रखने वाले मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में बताया कि सत्य ही धर्म है। मोहन भागवत संत ईश्वर सम्मान समारोह में पहुंचे थे। ये सम्मान समाज सेवा से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों को दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।